हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ का साइंस का जो चैप्टर वन है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, हाउ डू सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो सॉलिड कैसे चेंज होता है लिक्विड में जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो डिटेल में जानते हैं ना, बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में इस वीडियो में। तो देखो क्वेश्चन है कि कैसे जो सॉलिड है वो चेंज होता है लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज एंड सो वेरी लेस मोशन ओनली वाइब्रेशन। जरा समझो ध्यान से, जो सॉलिड का पार्टिकल है वो क्या करता है, पार्टिकल वाइब्रेट एट देयर फिक्स पोजिशन। इसका पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट करता है। लिक्विड का भी समझो, लिक्विड का पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है, एक दूसरे के ऊपर फिसलता है, और गैस का पार्टिकल, इसका तो स्लाइड ओवर ईच अदर हो गया, और गैस का पार्टिकल फ्री टू मूव एनीवेयर। गैस का पार्टिकल कहीं भी मूव करता है। तो पहले पार्टिकल को समझो, उसके बाद समझ में आएगा कि सॉलिड लिक्विड कैसे बनता है, लिक्विड सॉलिड कैसे बनता है, लिक्विड गैस कैसे बनता है, गैस लिक्विड कैसे बनता है। तो पहले इनके पार्टिकल्स के बारे में समझो। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज, बहुत पास में होता है, एंड सो वेरी लेस मोशन, और बहुत कम मोशन दिखाता है, सिर्फ वाइब्रेशन दिखाता है सॉलिड का पार्टिकल। बढ़िया, बिकॉज इट्स टेम्परेचर आर लो, क्योंकि इसका टेम्परेचर लो होता है इसीलिए सिर्फ ये वाइब्रेट करता है। सॉलिड का पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट करता है, टेम्परेचर इसका सबसे कम, इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा, और गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। सॉलिड का एग्जाम्पल ले लो आइस, तो बर्फ, बर्फ का तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, लिक्विड थोड़ा सा उससे ज़्यादा, और वाटर वेपर सबसे ज़्यादा। तो क्यों इसका पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट करता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। बढ़िया, वेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द मोशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके पार्टिकल का मोशन बढ़ेगा। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इसको हीट करके, वो एनर्जी क्या करेगा, पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करेगा, उसको ब्रेक करेगा, उसको तोड़ेगा। पार्टिकल के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको कौन तोड़ेगा, जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट सप्लाई कर रहे हो, वो हीट क्या करेगा, पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ेगा। इससे क्या होगा, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन। अब देखो सॉलिड का पार्टिकल फिक्स पोजिशन पे सिर्फ वाइब्रेट करता है, पर आप जब हीट कर रहे हो तो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो रहा है, तो इससे पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, और पार्टिकल फ्रीली मूव करने लगेगा, है ना। एंड एट अ सर्टेन स्टेज सॉलिड्स मेल्ट एंड इच कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और एक स्टेज पर क्या होगा, सॉलिड क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। भाई सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या है कि इसका पार्टिकल फिक्स पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट करता है, पर आप हीट कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, इसका पार्टिकल का मोशन बढ़ा, और मोशन बढ़ा तो मोशन इतना बढ़ गया कि जो पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है, अभी पार्टिकल एट अ सर्टेन स्टेज स्टार्ट टू स्लाइड ओवर इच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लगा। तो इसके पार्टिकल का प्रॉपर्टी कैसा हो गया, लिक्विड के पार्टिकल के प्रॉपर्टी के जैसा, तो जैसा पार्टिकल वैसा मैटर, है ना। तो इसका पार्टिकल एट अ सर्टेन स्टेज क्या हो गया, है ना, स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर इच अदर, और यही क्या हो गया, सॉलिड मेल्ट एंड इच कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है।